तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि एयर फिल्टर को कैसे क्लीनिंग करना है, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एयर फिल्टर के गंदे होने से आपका माइलेज पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एयर फिल्टर को भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो इसको खोलने के लिए पाँच स्क्रू है, देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच। ये मेरे नहीं है, कहीं खो गया है, तो उसको मैं खोल के लाता हूँ इसको जबर के मदद से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सारे स्क्रू को निकाल दिया, अब ये निकल आएगा, देखिए से। उसके बाद आपको इसे पकड़ना है इसको, और अपने तरफ खींचना है, इसे निकल आएगा, देखिए ये देखिए, ये एयर फिल्टर है। तो इसको साफ करना बहुत ही ज़रूरी है, गंदे होगा तो आपका माइलेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, माइलेज कम देती है गाड़ी। तो उसको आप साफ कीजिए ऐसे करके कपड़े से पोंछ के, और अगर ज़्यादा गंदा है तो चेंज कर दीजिए, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मुझको पता नहीं है कितना है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस को। तो मेरे तो ठीक ही है हालत, मैं अभी कपड़े से पोंछ दूँगा, उसके बाद फिर से लगा दूँगा। और एक बार बता दूँ मैं आप लोगों को, एयर फिल्टर साफ़ करने के लिए ये सब खोलना ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक साइड पैनल है, इधर दिखाता हूँ, ये है ऐसे, इसका दो नद है, एक देखिए ये एक और नीचे में देखिए ये दोनों खोलने से होगा। मैंने सब कुछ कर रखा है, मैंने कुछ दूसरे काम भी थे, इसलिए मैंने सब कुछ निकल दिया, देखिए ये, आपको ये खोलना ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैंने साफ कर दिया पूरा, आप हवा मार के भी साफ कर सकते हैं। और चलिए इसको अभी गाड़ी में लगाते हैं, क्योंकि साफ हो गया ये पूरा, देखिए मैंने ज़्यादा कंडे भी नहीं थे, मैंने साफ़ किया था इसलिए। तो इसको गाड़ी में लगाना कैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसको ऐसे बिठाना है, इधर इधर बिठाना है, उसके बाद इसको जो अंदर में एक पट्टी होता है उसको ऐसे प्रेस करना है, देखिए ऐसे प्रेस, देखिए ये घुस गया अंदर। और फिर से दिखाता हूँ मैं, जो ये वाला है, ये देखिए ये वाला है, इसको ऐसे प्रेस करना है, इसे प्रेस करके ऐसे बिठाना है अंदर। तो ये बैठ गया पूरा, अभी जो उसका कवर था उसको भी कपड़े से पोंछ देंगे। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। तो इसको पोस्ट दिया मैंने, देखिए अब इसको लगाते हैं इससे, देखिए पूरा लग गया, जितना भी स्क्रू था वो लगा देंगे। यहाँ पर मेरा एक स्क्रू नहीं है, कहीं मिसिंग है, पता नहीं उसको कहाँ गिर गया। तो इसको लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे।
तो मैंने लगा दिया है प्रॉपरली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइस।